मीडिया के मेरे मित्रों साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नवी P20 G20 देशों की संसदों का एक सम्मेलन 12, 13, 14 अक्टूबर को नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट, एक विदेश कमेटी के चेयरमैन, IPU के अध्यक्ष जो संसद की इंटरनेशनल बॉडी है, और 50 से ज़्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे। P20 सम्मेलन में अभी तक जितनी P20 सम्मेलन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इस सम्मेलन में हुई है, उसके लिए G20 के सभी देश और आमंत्रित देश के पीठासीन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भारत की संसद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में वो आमंत्रित हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर कई विषयों पर चर्चा और संवाद करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सरकार ने जो योजनाएं, नीति कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। इसी के साथ साथ संसदें अपने अपने यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज करती है, नवाचार करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, उस पर भी इस फोरम पर चर्चा होती है और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करना, उनके अनुभवों को साझा करना, उनकी पॉलिसीज कानून बनाने में सब विषयों पर एक व्यापक चर्चा संवाद होता है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, ताकि सभी संसदें जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके और हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें इन संसदों से कर सके। इसलिए ये फोरम अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फोरम है।